चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कंसीडर करेंगे। इसे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट। हमें वेव फ्रंट की शेप बतानी है, उस वेव फ्रंट की शेप बतानी है जो डिफरेंट सोर्स से आने वाले प्रकाश से फॉर्म होता है। पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए वेव फ्रंट होता क्या है, तरंगा क्या होता है। तो तरंगा किसे सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ होता है माध्यम में जिस पर ऐसे पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं जो कंपन के समानकला में होते हैं। तो ये पार्टिकल्स को कणों को लेकर के हम जिस सरफेस की रचना करते हैं उसे हम नाम देते हैं तरंगा। हमारा पहले क्वेश्चन में जो हमारा जो प्रकाश होता है पॉइंट के फॉर्म में है उसका तरंगा कैसा होगा, तो देखो थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया होगा। अगर हम कुछ विद्युत प्रकाश स्रोत लेके चले तो उससे जो प्रकाश किरण होगी वो इस तरह से फैली हुई आएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में सभी दिशाओं में जाएगी और इनका जो वेव फ्रंट होगा वो होगा स्फेरिकल, गोली तो होगा जिसकी गोली आकृति धीरे धीरे बीच जिसकी गोली आकृति की जो त्रिज्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बीच इसका जो कर्वेचर नेचर है इसकी जो इस तरह की जो गोली बने वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बहुत अधिक डिस्टेंस अगर लेकर चलेंगे, बहुत अधिक दूरी का तरंगा लेकर चलेंगे, पास के जो वेव फ्रंट होंगे वो तो ज्यादा स्फेरिकल होंगे। ये बहुत अधिक स्फेरिकल है, ये थोड़ा कम स्फेरिकल है, इसका स्फेरिकल डेंस और थोड़ा कम हो गया। अगर और दूर का हम एक तरह वेव फ्रंट लेके चले तो ये थोड़ा कम स्फेरिकल होगा, लेकिन होगा सभी स्फेरिकल जो धीरे धीरे फ्लैट होते चले जाएंगे। तो ये तो हमारा पहला आंसर है, ये तो आपको बताया होगा शायद। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम एक कोई विद्युत स्रोत लेके चले, प्रकाश को हम लेके चले पाइप के फॉर्म में लेके चले और वो प्रकाश बिंदु उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हो, फोकल पॉइंट पर रखा हो, तो उससे आने वाला जो प्रकाश होगा पहले उत्तल लेंस पर प्रवेश करेगा, उत्तल लेंस से प्रकाश बाहर निकलेगा अपवर्तित होगा, तो उस अपवर्तित प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो किस स्टाइल का होगा। बात को फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हमने जो प्रकाश स्रोत लिया पॉइंटेड लिया हुआ है और वो पॉइंटेड प्रकाश स्रोत किसी उत्तल लेंस के फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है, फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, तो लेंस से जो अपवर्तित प्रकाश होगा जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा। सिंपल आंसर है, ये तो हमारा फर्स्ट का था। अगर बी पार्ट लेके चले तो देखो यहां पर ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब फोकस पॉइंट, इस पर कोई प्रकाश स्रोत ओ है, इससे आने वाला जो प्रकाश होगा वो रेडियल होगा, रेडियल का मतलब है इस प्रकार के डिजाइन का होगा, और जो उत्तल लेंस पर इंसिडेंट होगा इस पर आके जब गिरेगा तो उससे जो निर्गत प्रकाश किरणें होगी वो मुख्य अक्ष समानांतर हो जाएगी, कुछ ऐसा ही तो होगा। और ये जो समानांतर प्रकाश पुंज होगा इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा वो प्लेन होगा, एक समतल तरंगदैर्ध्य। तो ये हमारा सेकंड आंसर था, कॉमन सा सिंपल सा है। तीसरे में ये लिखा हुआ इसका बिल्कुल रिवर्स, अगर हम तरंगा को लेके चले समतल और उस समतल तरंगा को उत्तल लेंस पर गिरा है तो उत्तल लेंस पर आपतित करें तो आपतित तरंग आपतित करने के बाद जो अपवर्तित तरंगा होगा वो कैसा होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी कुछ रिवर्स कंडीशन है, कुछ ऐसा ही तो है। हमारा जो तरंगाग्र है वो है समतल, ये समतल तरंगा हो गए, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, राइट। अच्छा, समतल तरंगा की जो वेव्स होगी जो तरंगे होगी वो तरंगा के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, तो इसकी तरंगे हो गई, तरंगा की रेस ऐसी तो होगी। अब ये सभी के सभी जो प्रकाश किरणें हैं
ये इस लेंस पर लेंस मतलब इसकी कक्षीय समानांतर है, तो नेचुरली ये जो प्रकाश किरण होगी अपवर्तन के बाद इसमें फोकस पॉइंट में जाके मिलेगी, और जब फोकस पॉइंट पे जाके मिलेगी तो ये लाइट पॉइंट सोर्स हो जाएगा, बिंदी वाला पॉइंट सोर्स। और इसका जो वेव फ्रंट होगा, इसका जो आप जो आपके पास ये जो तरंगा होगा वो स्फेरिकल हो जाएगा, दैट विल बी स्फेरिकल डिजाइन। कुछ ऐसा क्यों होगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो यहां थोड़ा रिमोट से थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा टेक्स्ट जो डी पार्ट है वो लिखा हुआ है कि हम कोई दूरस्थ तारा लेके चले, मतलब एक स्टार लेके चले, विच इज लाइक एट ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत अधिक दूरी पर है एक स्टार, उससे आने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश का जो तरंगाग्र है वो जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर उसका इंटरसेप्टेड पार्ट, इंटरसेप्टेड का मतलब है उसका कुछ भाग कैसा दिखाई देगा। तो देखो स्टार हमारा बहुत अधिक दूरी पर है, पॉइंटेड है, तो जब हमारा प्रकाश होते बिंदु के फॉर्म में होगा तो नेचुरली उसका जो हमारा बेफ्रेंच होगा वो हमारा स्फेरिकल होगा, गोलाकृति का होगा। लेकिन पृथ्वी का डिस्टेंस बहुत अधिक दूरी पर होने की वजह से उसकी जो स्फेरिकल डिजाइन है वो धीरे धीरे फ्लैट होती जाएगी, बड़े त्रिज्या का वो स्फीयर बनाएगा, और उसको इंटरसेप्टेड पार्ट है छोटा सा भाग है वो पूरा का पूरा फ्लैट होगा, एक समतल होगा। तो इंटरसेप्टेड जो पार्ट होगा वो हमारा होगा 100% होगा एक समतल तरंगा। और अगर हम पूरा वेव फ्रंट लेके चलते हैं तो स्फेरिकल तो होगा लेकिन कब स्फेरिकल टाइप का होगा। तो ये हमारे कुछ आंसर्स थे, थियोरेटिकल थे लेकिन इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं, हर एक न्यूमेरिकल बहुत काम का हुआ करता है, इस सबको रफ कर देते हैं। ओके सवाल कठिन नहीं होते हैं, बस हमें बात होनी थी उनकी लैंग्वेज उनकी भाषा समझ में आ जाए। चलिए लिखते हैं पहले सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये लिखा हुआ है दो माध्यमों के सीमांत प्रश्न का एक तरंगाग्र। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है या चलिए लिख ही लेते हैं चेक क्वेश्चन है, क्योंकि बगैर क्वेश्चन लिखे आपको समझ में दिया है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, सीमा पृष्ठ पर दोनों की कॉमन जो लाइन है, सीमा पृष्ठ पर एक तरंगाग्र, हम तरंगाग्र फ्लैट लेके चलेंगे 10 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तरंगाग्र। ओके सेंटेंस पढ़ते जाएंगे आपको भी समझते जाएंगे। प्रथम माध्यम में ध्वनि का वेग, अब यहां पे ध्वनि दे दिया प्रकाश की जगह, ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तरंग है ये 1.0 मीटर है, ये सब कुछ पहले माध्यम पे। यदि द्वितीय माध्यम पे ध्वनि का वेग 1450 मीटर प्रति सेकंड हो तब ज्ञात कीजिए
कम अप फर्स्ट, अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति, नंबर सेकंड तारा को दिखा रही है, नंबर थर्ड अपवर्तित कोण, दिस एंगल आपको पूछा है राइट, और जो दिया है वो लिख लेते हैं, साइड 10 डिग्री की वैल्यू दी हुई है 0.1736, साथ ही साथ साइड 50 डिग्री दिया हुआ है 0.7647, ये दिया हुआ है सिर्फ इस साइड, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। सवाल की भाषा को पहले आप पढ़िए, देखो यहां पे जो बे फ्रंट है वो लाइट का नहीं है, यहां पे जो बे फ्रंट है वो साउंड का है, बे फ्रंट किसी का भी हो सकता है, प्रकाश का भी तरंगाग्र हो सकता है, ध्वनि का भी तरंगाग्र हो सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों एनर्जी होती है, और जब एनर्जी बातें में प्रोपेगेट होती है चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं कंपित होते हैं, तो बे फ्रंट किसी भी एनर्जी के द्वारा फॉर्म हो सकता है। तो देखो यहां पे दिया है एक दो बादलों की सीमा प्रश्न तरंगाग्र है वो 10 डिग्री कोण पर आपतित होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतित कोण हो गया, और पहली बात में ध्वनि का वेग दिया हुआ 330 मीटर बटे सेकंड, तरंग दैर्ध्य दे रखी है 1 मीटर, दूसरी बात में ध्वनि का वेग मालूम है ये है 1450 मीटर बटे सेकंड। अब एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रकाश के वेग में ध्वनि के वेग में ये फर्क है, प्रकाश जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या अधिक सघनता के किसी माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन ध्वनि के वेग में यहां थोड़ा रिवर्स बात है, ध्वनि का वेग वायु में सबसे कम होता है 330 आप मीटर पर सेकंड लेकर चलते हैं, लेकिन जब ध्वनि पानी में जाती है, पानी हमारा डेंसर माध्यम हो गया इन कंपेरिजन ऑफ एयर, ध्वनि जब किसी ठोस पदार्थ में जाए लोहे में जाए तो और ज्यादा डेंसर हो गया, तो हमारा ध्वनि के लिए माध्यम जितना अधिक सघनता का होता चला जाता है ध्वनि की चाल उतनी ही बढ़ती जाती है, जबकि प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम प्रकाश की चाल उसकी सघनता के हिसाब से कम होती है, तो ये दोनों में एक रिवर्स करेक्शन है। तो दो ये है, आप ये है पहले बात में ध्वनि की चाल, ये है दूसरे बात में ध्वनि की चाल, पहले बात में तरंग दैर्ध्य मालूम है, हमें ध्वनि की आवृत्ति बतानी है, यह अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति बतानी है, अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति का मतलब है हमें जो ध्वनि अपवर्तित होगी उस अपवर्तित ध्वनि की आवृत्ति बतानी है। आवृत्ति वाले में एक बात हमने आपको बताई होगी, हम किसी भी माध्यम में आप ध्वनि तरंग लेके चलो या किसी भी माध्यम में प्रकाश तरंग लेके चलो, जब ये तरंग दूसरे माध्यम में जाती है तो इनकी स्पीड बदल जाती है, इनकी वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। तो अब किसी भी माध्यम में फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करें, वही फ्रीक्वेंसी हर एक माध्यम में रहेगी। अब हम किस भी कैलकुलेशन करें उसमें कैलकुलेशन करें जिसमें स्पीड मालूम हो, जिसमें वेवलेंथ मालूम हो, उस माध्यम को लेकर चले, उससे हम फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लें। तो देखो पहले माध्यम ध्वनि का वेग मालूम है, पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य मालूम है, तो पहले माध्यम पे निकालें ध्वनि की आवृत्ति या आपतित तरंगाग्र की आवृत्ति निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपतित तरंगाग्र यदि एड आवृत्ति का हो राइट, तब क्या होगा, ध्वनि तरंग में कॉमन फॉर्मूला लगा दी v बराबर l लैम्डा, ये कॉमन फॉर्मूला होता है,
ध्वनि तरंगों के लिए फॉर साउंड वेव्स। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फीस का तो एल लैम्डा, यहां पर हमें एल निकालना है, तो फिर एल इसका जो है वी अपॉन लैम्डा। वी की जो वैल्यू है पहली बात है 330 और लैम्डा का मान है 1, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 330 हर्ट्ज। यही फ्रीक्वेंसी जो आपतित तरंगांक की है या ध्वनि की है आपतित माध्यम से, वही फ्रीक्वेंसी हमारे अपवर्तित तरंगांक की होगी। तो हमारे फर्स्ट आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया अपवर्तित तरंगांक की फ्रीक्वेंसी। सेकेंडली पूछा है, पहला आंसर हमारा ये हो गया। फिर पूछा है तरंग दैर्ध्य और बतानी है। तो देखो, चाहे प्रकाश तरंगे हो चाहे आपकी ध्वनि तरंगे हो, जब ये दूसरे माध्यम में जाते हैं तो निश्चित रूप से इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो चेंज होगी। अब हम दूसरे माध्यम तरंग दैर्ध्य को कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट में। दूसरे माध्यम में यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश हो तब क्या होगा, एल तो वही रहेगा, एल इसका टू, ये हो जाएगा वी डैश अपॉन लैम्डा डैश। उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसकी वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। तो एल के प्लेस पर तो हमने एल लिख लिया, वी के प्लेस पर लिख लिया वी डैश, दूसरे बात में ध्वनि की चाल, और लैम्डा डैश यहां पर लैम्डा प्लेस पर लैम्डा डैश लिख लिया, दूसरे बात में तरंग दैर्ध्य। तो हमने लैम्डा डैश का मान क्यों निकालना है, इंप्लाइज दैट लैम्डा डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश अपॉन एल। वैल्यू पुट कर देते हैं, दूसरे माध्यम में जो चाल है वो 1450 है, फ्रीक्वेंसी है 330, यहां से कैसे डिवाइड कर लेते तो हमारा आंसर जो आएगा वो जल्दी से लिख लेते हैं 4.394 हर्ट्ज दोनों एगेंस्ट, दोनों बीटा, क्योंकि बीटा भी तो दिया तो बीटा, तो इट इज द वेवलेंथ इन द सेकेंड मीडियम और द साउंड वेव्स। फिर पूछा अपवर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा, आर का मान पूछा हुआ है। तो देखो, हम प्रकाश के लिए तो कुछ ऐसा करते हैं, हमें एंगल आई मालूम हो, एंगल आर मालूम हो, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मालूम हो, तो फॉर्मूला लगाते थे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2। लेकिन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई बात नहीं है, माध्यम के अपवर्तनांकों की कोई बात नहीं है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला ये भी तो बनता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है v1 अपॉन v2 या इक्वल टू होता है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, ये तो फॉर्मूले होते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे बताओ, थर्ड पार्ट के लिए ऐसा लिखेंगे, हम लिख देंगे साइन आई अपॉन साइन आर इसका टू हो जाएगा पहले बात में जो ध्वनि की चाल है वो v है और बटे दूसरी बात में v less, राइट, ये v1 अपॉन v2 प्लस ऐसा ही तो हो गया। वैल्यू को कर दे, ये उसका साइड 10° अपॉन साइड r इक्वल टू v का मान है 330 और v less का मान है 1450। हमें साइड r निकालना है, इधर मल्टीप्लिकेशन पे 330 बटे में, देयरफॉर साइड आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1450 और बटे में 330 पे यहां पर आ जाएगा और इनटू द साइड 10°। वैल्यू पुट कर दे, 1450 बटे 330 और साइड 10° का मान है 0.1736, ये वैल्यू है साइड आर की। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी, सॉल्व करने के बाद 0.7647 जो वैल्यू है साइड 50°, देयरफॉर आर इसका कितना हो गया 50°। तो हमारा जो अपवर्तित कोण होगा वो होगा 50°। कुछ ऐसा करने में निकल लो तो कठिन नहीं है।
अब नेक्स्ट लेवल के लेके चल रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। और तो कुछ नहीं पूछना। ओके इसको बिठा ले रहे हैं। सवाल देखिए प्लीज, ये लिखा हुआ है बायो का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वन पॉइंट जीरो 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 थ्री है, पॉइंट का टी जीरो है, वन पॉइंट जीरो 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 थ्री है। वैसे वायु का जडलिक वाली ही तो लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें दिया है वन पॉइंट जीरो 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 थ्री है तथा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम। ओके वायु स्तंभ की वह मोटाई बताइए, मोटाई ज्ञात कीजिए जिसमें उसी मोटाई के निर्वात की अपेक्षा पीले प्रकाश की एक अतिरिक्त किरण मिले। किरण प्राप्त ओके इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो ये है कि जब प्रकाश किसी सगरमाथे पे जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो घटती है। तरंग दैर्ध्य घटने का मतलब ये है तरंगों के बीच का जो गैप होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर तरंगों को हम ये लाइन से रिप्रेजेंट करें तो इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम एक सामान्य तौर पर तरंग दैर्ध्य लिख सकते हैं। वैसे तरंग दैर्ध्य डेफिनेशन कुछ अलग होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य को हम तरंगों के बीच की दूरी से प्रकट कर सकते हैं। समझने के लिए तरंग दैर्ध्य घटने का मतलब यह है बीच की दूरी कम हो गई, तरंग दैर्ध्य बढ़ने का मतलब है बीच की दूरी बढ़ गई। अब जहां पर तरंगों के बीच का गैप कम हो जाएगा उन तरंगों की संख्या एक ली गई मोटाई में ली गई जगह में बढ़ जाएगी, और जहां पर तरंगों के बीच का गैप बढ़ जाएगा वहां पर तरंगों की संख्या एक ली गई मोटाई में कम हो जाएगी। एक ही कॉमन सी बात है, इस बात को ध्यान रखते हुए फोकस करते हैं। ये लिखा हुआ है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है 1.0003 है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, वायु स्तंभ में प्रकाश की वह मोटाई बता रही है, वायु स्तंभ की मोटाई बता रही है जिसमें उसी मोटाई के निर्वात की अपेक्षा
पीले प्रकाश की एक किरण अतिरिक्त हो, एक्स्ट्रा किरण हो, मतलब वायु स्तंभ में एक एक्स्ट्रा किरण हो दिनवात की अपेक्षा। तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि दिनवात की अपेक्षा वायु स्तंभ में एक एक्स्ट्रा किरण क्यों ज्यादा हो सकती है। तो देखो वायु स्तंभ का जो तरंग जो अपवर्त तरंग है वो 1.0003 है, जबकि दिनवात का अपवर्त तरंग हम 1 लेके चलते हैं। बीस वायु जो स्तंभ है वो थोड़ा डेंसर है, दिनवात की अपेक्षा थोड़ा सघन है, और जब ये थोड़ा सा सघन है तो जब प्रकाश हमारा दिनवात से जब ये वायु स्तंभ पे जाएगा तो उसकी तरंगदैर्ध्य घटेगी, और तरंगदैर्ध्य घटने का मतलब है वायु स्तंभ की उसी मोटाई में जितनी मोटाई हम दिनवात के लेके चले उतनी ही मोटाई का अगर वायु स्तंभ लेके चले तो उसी मोटाई में कि वायु स्तंभ में तरंगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारी एक तरंग एक्स्ट्रा दे रखी है वायु स्तंभ में दिनवात के अपेक्षा, तो हमें उस मोटाई 100T को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पहले हम ये बात पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम बातें से पहले हम वायु स्तंभ में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकाल लें, दिनवात की तरंग दैर्ध्य मालूम है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वायु स्तंभ में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगी, बराबर होगी दिनवात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, राइट और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा वायु स्तंभ का अपवर्त तरंग। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगी, इसे अगर हम लैम्डा डैश लिख ले वायु स्तंभ में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा डैश लिख ले तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये तो दिनवात में 6000 अपॉन 1.0003, ये लैम्डा डैश होगी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी वायु स्तंभ में। अब हम ये मान के चले कि दिनवात की जो मोटाई है वो 100T है, तो जितनी मोटाई का हमने दिनवात लिया है उतनी मोटाई हमें वायु स्तंभ लेना है। तो सबसे पहले हम उस टी मोटाई में जो हमने दिनवात में मानी है उसमें पहले निकाले तरंगों की संख्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहां पर ये फिगर था ब्रश कर देते हैं, इस फिगर की आवश्यकता है नहीं। अब हम क्या कैलकुलेट कर लें, अब यदि दिनवात की मोटाई टी हो तब इस मोटाई में तरंगों की संख्या अगर तरंगों की संख्या को हम पी लिख ले, पी सेट हो जाएगा टी अपॉन लैम्डा कुल मोटाई, माध्यम की कुल मोटाई हमने जितनी भी मोटाई ली है और बटे तरंगों के बीच का गैप जिसमें तरंग लिखा हुआ है, तो पी उसका जुड़ेगा टी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बीस ई हो जाएगा टी अपॉन 6000 एनएस टू में ही रहने दे। ये तो बात भी दिनवात में, अब इतनी मोटाई का हमने लिया है वायु स्तंभ, इसी मोटाई के वायु स्तंभ में तरंगों की संख्या, इसी मोटाई के वायु स्तंभ में तरंगों की संख्या अगर उसे पी डैश लिख ले, इसका जो मोटाई हुई है टी अपॉन लैम्डा डैश, तो यहां पर टी तो इतना ही है और लैम्डा डैश का मान कितना है, यह 6000 अपॉन 1.003 कुछ ऐसा ही तो है, दोनों समान मोटाई के हैं।
हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड में ले आते हैं, थोड़ा जगह देखिए, इसलिए यहां पर ले आए। ओके, डीएफओ पीस का तो कितना हो जाएगा, टी इंटू 1.003 अपॉन 6000 पी डैश। अब देखो ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वायुस्तंभ है उसमें तरंगे जो है वो एक ज्यादा एक्स्ट्रा है, निर्वात में जो भी तरंग संख्या है, जो भी तरंगों की संख्या है उससे एक ज्यादा पर है। तो यहाँ पे जो पी डैश का मान है, हियर पी डैश जो है वो पी प्लस वन ही तो है, देयरफॉर पी प्लस वन इक्वल टू है टी इंटू 1.003 अपॉन 6000 और पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज टी अपॉन 6000 प्लस वन सॉरी टी इंटू 1.003 अपॉन 6000। हमारा टी दो जगह है, हम इस वाले टी को धर ले जाए तो वन इज कट हो जाएगा टी इंटू 1.003 अपॉन 6000 माइनस टी अपॉन 6000। हम यहां से कॉमन ले ले, टी अपॉन 6000 कॉमन ले ले तो 1.003 माइनस का 1 ये 1 इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करें इधर लिख ले, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 इज इक्वल टू टी अपॉन 6000 इंटू बचेगा 0.0003 देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हियर इट विल बी, यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 6000 और अपॉन में कितना आ जाएगा 0.0003। डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो और बढ़ गए, 4 जीरो बढ़ेंगे, यहां से हमारे ये अभी आएगा एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम इसलिए क्योंकि हमने तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में लिया है, चेंज नहीं किया था, अगर इसे मीटर में बदल लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 6 × 10^7 है, 10^-10 हो जाएगा अपॉन 3 तो यह आएगा 2 × 10^-3 मीटर्स, और कह सकते हैं 2 मिलीमीटर इज आंसर। तो हमारा जो वायुस्तंभ होगा या जो हमारा निर्वात होगा वो कितनी मोटाई का होगा, इट विल बी ऑफ 2 mm 2 मिलीमीटर होगा। क्वेश्चन अपने आप ही यूनिक है, ठीक राइट। एक और लेके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी तरह का सिमिलर है, इसको रफ कर देते, बात शायद समझ में आई होगी आपको। बस ये ध्यान रखना है हमें कि बादल जितना भी सघन होता है उसमें तरंग इतनी कम होती है, तरंग संख्या बढ़ जाती है, उनके बीच की दूरी घट जाती है। तो कुछ क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो कुछ ऐसा ही है सिमिलर, ये लिखा हुआ है 4 cm मोटी कांच की पट्टिका में तरंगों की संख्या उतनी ही है, लिख लेते हैं 4 cm मोटी कांच की पट्टिका में तरंगों की संख्या उतनी ही है जितनी पांच सेंटीमीटर मोटाई के जल में, 5 cm मोटाई के जल में, राइट क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, जल का पूर्णतः चार बटे तीन कांच का पूर्णतः बताइए, आप कर सकते हो
सिंपल सा है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टी का है, उसमें तरफों की संख्या उतनी ही है जितनी 5 सेंटीमीटर मोटाई की जल में। जल का पूर्णांक कितना दिया हुआ है, कांच का पूर्णांक बता रहे हैं। तो देखो हमारा एक बात कांच दिया हुआ है, एक बात हमारा जल दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे किसमें तरंगदैर्ध्य कम होगी, किसमें तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी, तो हमारे जो कांच होता है वो डेंसर होता है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर। तो कांच में जो तरंगें होगी वो थोड़ी पास पास होगी, उनमें तरंगों की संख्या ज्यादा होगी। तो हमारी जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कांच की 4 mm 4 सेंटीमीटर मोटाई में जितनी संख्या 4 mm सेंटीमीटर में है कांच की पट्टी में, उतनी ही तरंगों की संख्या पानी की 5 सेंटीमीटर मोटाई में। नंबर ऑफ वेव्स आर इक्वल बट जो हमारी पट्टिका की मोटाई है, कांच की पट्टिका 4 सेंटीमीटर मोटाई की है, पानी की जो पट्टिका है वो 5 सेंटीमीटर मोटाई की है, एक मोटाई में तरंगों की संख्या एक जैसी है। तो सबसे पहले इनकी वेवलेंथ लेके चले, हम पानी में वेवलेंथ को लैम्डा डब्ल्यू लिख ले, कांच में तरंगदैर्ध्य को लैम्डा जी लिख लेते, तब हम नंबर ऑफ वेव्स निकाले। पहले सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा है, यदि कांच में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा डब्ल्यू तथा पानी में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सो या लैम्डा जी और या लैम्डा डब्ल्यू हो, देन हम पहले कांच की पट्टिका में तरंगों की संख्या निकाले, तब कांच की पट्टिका में तरंगों की संख्या क्या तरीका होगा, संख्या बराबर होती है पट्टिका की मोटाई, पट्टिका की मोटाई 4 सेंटीमीटर दी है बटे तरंगदैर्ध्य लैम्डा जी, कुल मोटाई बटे तरंगदैर्ध्य, ये तुझे कांच की पट्टिका में तरंगों की संख्या, पानी की पट्टिका में तरंगों की संख्या बराबर हो जाएगी, पानी की जो पट्टी है वो 5 सेंटीमीटर की है और तरंगदैर्ध्य लैम्डा डब्ल्यू। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में तरंगों की संख्या बराबर है, इसलिए 4 upon lambda g इक्वल टू हो जाएगा 5 upon lambda w, राइट। इंप्लाइज दैट यहां से हम लैम्डा डब्ल्यू बटे लैम्डा जी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 upon 4। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला ये 1 n2 इसक्वल टू, उसको हम लिखते हैं n2 upon n1 और इसक्वल टू होता है लैम्डा वन बटे लैम्डा टू, कॉमन फॉर्मूला 1 n2 पहली बार के सापेक्ष दूसरे का पूर्णांक, इसक्वल टू होता है n2 upon n1 और इसक्वल टू क्या होता है लैम्डा वन बटे लैम्डा टू, ऐसे ही तो फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां पर अगर अपवर्तनांकों का जो अनुपात है तरंगदैर्ध्य का अनुपात है ऐसी प्रोपर्टी तो है, तो अगर हम कांच के अपवर्तनांक को, हम कांच का अपवर्तनांक की तो पूछा है, कांच के अपवर्तनांक को अगर हम एनजी लेके चले तो एनजी अपॉन जो एनडब्ल्यू होगा, ये सब एब्सोल्यूटली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर या रिवर्सिव तो हो जाएगा लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी, कुछ ऐसे तो होगा। अब हमें एन जी निकालना है, ये देखा 4/3 और लैम्डा डब्ल्यू बटे लैम्डा जी का मान कितना है, ये 5/4 ऐसा ही तो है, कुछ ऐसे तो दिया हुआ है। तो फ्रॉम हियर ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहां से एन जी इक्वल टू हो जाएगा 5/4 × 4/3, ये से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5/3, कुछ ऐसे तो आंसर आएगा। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारा ग्लास का, कांच की पट्टिका का। तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूबिकस थे, सिंपल है।
थैंक्स अ लॉट.